दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही छोटा प्लान देखने वाले हैं, लगभग 20 फीट बाय 30 फीट का, मतलब 400 स्क्वायर फुट का। और यहाँ पर इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव जो है डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो है डिज़ाइन आप देख सकते हैं, लगभग 20 फीट बाय 20 फीट में बनाया है, मतलब 400 स्क्वायर फुट में एक काफ़ी बड़े और बेहतरीन सा प्लान हमने बनाया था। ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का दोनों प्लान मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अंदर से ये पूरा पूरा जो है डिज़ाइन किस टाइप में रहेगा, मतलब किस टाइप में इसके रूम की साइजेस वगैरह रहेंगे, पूरा प्लानिंग कैसा रहेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया प्लान है, आपको आपके प्लान के लिए या आपके छोटे प्लान के लिए इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आइडिया ज़रूर आएगी। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम डी लोनकर है और मैं आपके लिए नए प्लान्स, नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले प्लॉट का साइज समझ लेते हैं। देखिए प्लॉट का साइज जो है 20 फीट जो इस प्लॉट का फ्रंट है और 20 फीट जो इस प्लॉट का लेंथ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह छोड़ी गई है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है हमारा 20 फीट बाय 20 फीट में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 फीट की जगह एक्स्ट्रा छोड़ी गई है, मतलब 20 फीट बाय 27 फीट में ये जो है पूरा का पूरा जो है प्लान किया गया है। लेकिन 20 फीट बाय 20 फीट में भी ये जो है पूरा पूरा जो है कंस्ट्रक्शन बैठ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा पार्किंग का एरिया बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेप चढ़ के यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं हमारे हॉल में। यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा, यहाँ पर एक विंडो है, इस साइड में भी विंडो है, आप देख सकते हैं। ऊपर जो है काफ़ी अच्छी और बेहतरीन सी बालकनी बताई गई है, ये पोर्च बताया गया है। और ऊपर भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव और मॉडर्न टाइप का सिंपल सा डिज़ाइन बनाया गया है। तो चलिए इसका जो है अंदर से किस टाइप पर बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप में हमारा प्लॉट है, 20 फीट जो इसका प्लॉट का फ्रंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 फीट 6 इंच है यहाँ तक और 27 फीट 3 इंच है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस टाइप में जो ये जो है हमारा प्लिंथ रहेगा, आप देख सकते हैं 20 फीट बाय 20 फीट का जो है हमारा प्लिंथ रहेगा, 20 फीट बाय 21 फीट 6 इंच का, ठीक है। लेकिन 20 फीट बाय 20 फीट में भी ये जो है पूरा पूरा जो है एडजस्ट हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे कॉलम जो है इस टाइप में रहेंगे, आप देख सकते हैं, और इस टाइप में हमारे जो है दीवारें रहेगी। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरे पूरे जो है रूम की साइज बताया गया है, जिसमें से हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा हॉल है और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम है और यहाँ पर एक किचन, यहाँ पर बेडरूम है। पूरा डिटेल डायमेंशन हम देखने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी स्टेयरकेस बताया गया है अंदर से और डोर के और विंडोज़ के पोजीशन बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं सीढ़ी जो है ऊपर चल जाएगी यहाँ से, और इसके नीचे जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको टॉयलेट मिलता है यहाँ पर। और इस साइड में अगर हम देखेंगे तो बाथरूम का डोर हमारा यहाँ पर है और इस साइड से हम बाथरूम यूज़ करेंगे, ठीक है। यही हमारा बाथरूम और ये हमारा टॉयलेट रहेगा, और यहाँ पर किचन और यहाँ पर हमारा बेडरूम है और यहाँ पर हॉल है, ठीक है। मतलब 1 BHK जो है ग्राउंड फ्लोर पर एडजस्ट किया गया है। इसलिए साथ साथ इसके डायमेंशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर हॉल का साइज जो हमको 9 फीट 2 इंच 14 फीट 1 इंच का मिलता है यहाँ तक, और उसके अलावा जो है इस साइड में एक्स्ट्रा जगह मिलती है। स्टेयरकेस के नीचे का जो है पूरा पूरा जगह हम स्टोर के लिए, मतलब सामान कुछ सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारी सीढ़ी जो है आप देख सकते हैं हॉल के अंदर से ही बताई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है और इस यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से फिर से ऊपर चल जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, इस साइड में 3 फीट 9 इंच की जगह है, यहाँ पर 9 फीट 2 इंच की जगह है। और अगर यहाँ पर आते हैं तो देखिए हमारा किचन जो है 6 फीट 2 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का है, और यहाँ पर जो हमारा बेडरूम है 9 फीट बाय 10 फीट का है। किचन को जो है पीछे साइड में एक विंडो है और राइट साइड में भी एक विंडो बताया गया है, क्योंकि 20 फीट बाय 20 फीट के अलावा जो है आजू बाजू में जो हमको एक्स्ट्रा जगह छोड़ना पड़ेगी वेंटिलेशन के लिए। तो पीछे आप देख सकते हैं टॉयलेट बाथरूम के वेंटिलेशन बताया गया है, और इस साइड में हॉल को विंडो बताया गया है, फ्रंट साइड में भी विंडो बताया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा स्लैब रहेगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे फर्स्ट फ्लोर का जो है कॉलम रहेगा इस टाइप में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे जो है वॉल रहेंगे ऊपर के फ्लोर के लिए, ठीक है। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टेयरकेस से जो है हमारी एंट्री यहाँ पर होती है इस पोर्शन में, और यहाँ पर जो है कॉमन टॉयलेट बताया गया है, और यहाँ पर जो है जो किचन था नीचे, यहाँ पर एक बेडरूम बताया गया है और इस साइड में भी एक बेडरूम बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसका डोर जो है यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर जो है सुंदर सी बालकनी बताई गई है, मतलब पोर्च बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पोर्च रहेगा 9.5 फीट बाय 6-7 फीट का रहेगा, और यहाँ पर 4 फीट बाय 5 फीट 8 इंच का जो है हमको टॉयलेट बाथरूम मिलता है, 9 फीट बाय 9 फीट 8 इंच का जो है हमको बेडरूम मिलता है, और यहाँ पर जो बेडरूम है वो 9 फीट 10 इंच का मिलता है। तो इस टाइप में ये जो है पूरा पूरा जो है प्लानिंग बनाया गया था। और उसके बाद में इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्लैब रहेगा और यहाँ पर जो है हमारे बीम रहेंगे और यहाँ पर जो है हमारा टावर रहेगा, आप देख सकते हैं। ये जो है मोमटी
रहेगा, मतलब हेडरूम रहेगा। और इस टाइप में ये जो है डोर्स और विंडोज़ की पोजीशन रहेगी, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 20 फीट बाय 20 फीट का जो है काफ़ी छोटा सा प्लॉट था, लेकिन इसमें काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव जो है पूरा जो है प्लानिंग हमने बनाया था। तो चलिए इस डिज़ाइन के जो है फटाफट कलर ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद में इसका जो है मैप मतलब नक्शा जो है नक्शा देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है कलर ऑप्शन हमने बनाया था, एक कलर ऑप्शन और उसके बाद में ये सेकंड वाला कलर ऑप्शन है। ये भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था और उसके बाद में ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था। आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरे जो है कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे। अब इसका नक्शा जो है किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर का नक्शा देखेंगे, आप देख सकते हैं इस टाइप में 20 फीट बाय 20 फीट का 21 फीट चेंज जो है यहाँ से यहाँ तक है। ये पूरे जो है डायमेंशन हमने बताए थे और ये डायमेंशन जो है आप आराम से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप वीडियो को जो है प्लान को जो है आराम से समझ सके। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और उसके बाद में ये जो है फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। तो सबसे पहले अगर आपको बता दूँ तो प्लॉट का साइज जो है 20 फीट बाय 20 फीट का है, मतलब 400 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, 20 फीट बाय 20 फीट का। लेकिन इसके अलावा जो है वेंटिलेशन के लिए हमको आजू बाजू में जगह छोड़ना पड़ेगी, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया जो रहेगा हमारा वो 400 स्क्वायर फीट का रहेगा, मतलब 20 फीट बाय 20 फीट का। और पहले जो है हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर का फ्लोर का प्लान समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फ्रंट जो है हमारा ईस्ट फेसिंग है, या तो फिर आपके हिसाब से आपका प्लॉट जो भी होगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ईस्ट फेसिंग है, मतलब पूर्व दिशा वाला प्लान है, ठीक है, फ्रंट साइड में पूर्व दिशा में हमारा मेन रोड है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं ये स्टेप है और इस स्टेप से हम इस वरांडे पर पहुँचते हैं। और वरांडे से अगर हम देखेंगे तो हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए यहीं से हमारी सीढ़ी दी गई है, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्न हो जाएगी और ऊपर के मंजिल पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये सीढ़ी के नीचे हमारी पार्किंग भी एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी बाइक वगैरह हम पार्क कर सकते हैं, हमारी दो बाइक जो है यहाँ पर हम आराम से पार्क कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेयरकेस बाहर से बताए गए हैं और आप देख सकते हैं इस टाइप में, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा मेन डोर रहेगा, मेन डोर से हम एंट्री करेंगे हमारी इस हॉल में। देखिए हॉल का साइज जो हमको मिलता है लगभग 10 फीट बाय 12 फीट का मिल रहा है, ठीक है, मतलब 9 फीट 9 इंच बाय 12 फीट का। और यहाँ पर हम सोफा सेट और यहाँ पर टीवी यूनिट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, या तो फिर आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस साइड में आते हैं यहीं पर, और यहाँ पर हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलता है 3 फीट 4 इंच बाय 5 फीट 6 इंच का, ठीक है, मतलब लगभग 3.5 फीट बाय 5.5 फीट का, छोटा सा है क्योंकि छोटा प्लॉट है तो छोटे प्लॉट में छोटे ही हमको एडजस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा किचन है 8 फीट बाय 6.5 फीट का, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो बेडरूम है हमारा वो है लगभग 8 फीट 2 इंच बाय 8 फीट का, ठीक है, छोटा बेडरूम है। और उसके बाद में ऊपर की मंजिल पर अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऊपर की मंजिल पर पहुँच जाएंगे सीढ़ी से, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, सीढ़ी जो है 3 फीट का विड्थ है स्टेयर्स का, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और यहाँ से हम इस टेरेस में ओपन एंट्री करेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा पोच रहेगा, सिट आउट एरिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम सोफा सेट वगैरह डाल के बैठ सकते हैं क्योंकि ऊपर भी हमारा स्लैब रहेगा, तो हमारे हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इलिवेशन में भी ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा, मेन डोर से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहेगा जैसे कि नीचे था सेम साइज़ है, और उसके बाद में यहाँ पर बेडरूम था जैसे कि नीचे साइज़ था वो भी सेम साइज़ है, और यहाँ पर नीचे जो है हमारा हॉल था आप देख सकते हैं, हॉल की जगह यहाँ पर एक बड़ा सा बेडरूम एडजस्ट किया गया है, ठीक है। तो हॉल का जो साइज़ था सेम साइज़ जो है इस बेडरूम का रहेगा, और स्टेयरकेस जो है सेम रहेगी, और भी ऊपर के मंजिल पर मतलब तीसरे फ्लोर पर अगर हम जाना चाहते हैं तो यही स्टेयरकेस जो है कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, मतलब कितने भी मंजिल अगर हम बनाते हैं तो यही सीढ़ी हम यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर ही हम सीढ़ी एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 20 फीट बाय 20 फीट में ये जो है पूरा जो है प्लान बनाया गया है, मतलब 400 स्क्वायर फीट में। तो 400 स्क्वायर फीट में इतना बढ़िया प्लान बनाया गया है, खाली वेंटिलेशन के लिए जो है हमको आजू बाजू में जगह छोड़ना पड़ेगी। तो शॉर्ट में जो है इसका 2D प्लान भी समझ लेते हैं ताकि इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकें। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, आप देख सकते हैं 20 फीट बाय 20 फीट का, स्टेयरकेस के नीचे से हमारी एंट्री यहाँ पर होती है
यहाँ पर जो है पूरे पूरे है डायमेंशन भी दिए गए। आप देख सकते हैं हॉल है 10 फीट बाय 12 फीट का, ये भी जो बेडरूम है 8 फीट 2 इंच बाय 8 फीट का, टॉयलेट बाथरूम और यहाँ पर जो है किचन है। और ऊपर के मंजिल पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर जो है बड़ा सा बेडरूम है और यहाँ पर एक बेडरूम है सेम जैसे कि नीचे बनाया गया था, और यहाँ पर अटैच वाला बाथरूम है सेम एज इट इज जैसा का नीचे बनाया था, और यहाँ पर जो है पूरा जो है पोर्च है 8.5 फीट बाय 6.5 फीट का, और स्टेयर के जो है कंटिन्यू की गई है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझने वाले हैं। 20 फीट बाय 20 फीट का पूरा प्लॉट का साइज है, और मतलब 400 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का साइज है। आप देख सकते हैं आजू बाजू में थोड़ी सी जगह है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन रोड है, यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर एक लिविंग रूम है, अब लिविंग रूम में ही स्टेयर के दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट किया है, उसके बाद में यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा हॉल जो है डुप्लेक्स टाइप दिखेगा, 10 फीट 2 इंच बाय 15 फीट 6 इंच का इसका साइज दिया गया है। उसके बाद में किचन है 8 फीट बाय 9 फीट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। अब ये जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है यहाँ पर इसका डोर बताया गया है, इसका डोर जो है इस साइड से भी रख सकते हैं अगर इस साइड से आप स्टेयर स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर का है प्लान है, उसके बाद भी इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, तो ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री यहाँ पर होती है यहाँ पर, उसके बाद में फिर से फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर हम जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद यहाँ से सीढ़ी कंटिन्यू होती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम आपको नजर आ जाएगा। 4 फीट बाय 3 फीट 6 इंच का टॉयलेट है, और बाथरूम है 8 फीट बाय 5 फीट का। यहाँ पर एक छोटा सा बेडरूम बताया गया है 8 फीट बाय 9 फीट 4 इंच का, और यहाँ पर जो सेकंड बेडरूम है इसका साइज है 10 फीट 2 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का। ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को यहाँ पर एक डोर बताया है इस बालकनी को यूज़ करने के लिए, लेकिन एलिवेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक डोर बताया गया है, मतलब दोनों बेडरूम के लिए ये बालकनी दिया गया है। अब इसका 3D वेंटिलेशन किस टाइप में बनाया था तो बहुत ही शॉर्ट में देखते हैं, काफ़ी बड़े और बेहतरीन सा डिज़ाइन है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन बना गया था, हमने आपको बताया था काफ़ी अट्रैक्टिव और बढ़िया सा डिज़ाइन है, तो इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन बना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा गेट है, और यहाँ पर वरांडा है, यहाँ पर मेन डोर बताया है, यहाँ पर हॉल का डोर विंडो है, यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पर हमने दो डोर्स बताए थे यहाँ पर, और एक डोर जो है इसके पीछे आपको नजर आ जाएगा। तो इस टाइप में पूरा सिंपल सा डिज़ाइन है, और इसके कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन से है। एक आप देख सकते हैं ये पूरा बालकनी जो है किस टाइप में कितना अट्रैक्टिव और सुंदर सा दिख रहा है, और इसके कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, ये कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा कलर कॉम्बिनेशन है, और ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी लोगों को पसंद आया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आया है, ये भी काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं इस टाइप में पूरा डिज़ाइन बनाया गया था, और ये प्लान भी आपको समझाया। आशा करता हूँ छोटा सा प्लान आपको डिटेल में समझ में आया, पसंद आया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं उनके प्लान के लिए या उनके घर के लिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।